देखो फ्रेंड, आज मैं क्वेश्चन बात करने जा रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन आपका लिखा है कि कोई व्यक्ति है 1/3 वक्त खर्च कर देता है, उसके कारण शेष उसके बाद बाद शेष का ठीक 20% अपने मकान पर की मरम्मत पर खर्च करता है, तो उसके पास जो बाद के रुपए बचते हैं वो 320 रुपये बचते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 320 रुपये जो बचते हैं ठीक, तो आपसे टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर 320 है तो ये 80% की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जब वो 20% खर्च कर रहा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से लगाओ जरा, अगर ये 80% बराबर है 80, तो 8 चकू मतलब है 40 गुना है, मतलब 4 गुना ठीक, तो मतलब 100% कितना होगा आपका 400 ठीक। अब आपको बता देगा 100% 400 है। उसके बाद कह रहा है, थोड़ा उल्टे चलते जाओ, उसके बाद कह रहा है कि 1/3 वक्त उसने खर्च कर दिया, मतलब है ये 2 के बराबर है आपका 400। देखो फ्रेंड, आज मैं क्वेश्चन बात करने जा रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन आपका लिखा है कि कोई व्यक्ति है 1/3 वक्त खर्च कर देता है, उसके कारण शेष उसके बाद शेष का ठीक 20% अपने मकान पर की मरम्मत पर खर्च करता है, तो उसके पास जो बाद के रुपए बचते हैं वो 320 रुपये बचते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 320 रुपये जो बचते हैं ठीक, तो आपसे टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर 320 है तो ये 80% की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जब वो 20% खर्च कर रहा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से लगाओ जरा, अगर ये 80% बराबर है 80, तो 8 चकू मतलब है 40 गुना है, मतलब 4 गुना ठीक, तो मतलब 100% कितना होगा आपका 400 ठीक। अब आपको बता देगा 100% 400 है। उसके बाद कह रहा है, थोड़ा उल्टे चलते जाओ, उसके बाद कह रहा है कि 1/3 वक्त उसने खर्च कर दिया, मतलब है ये 2 के बराबर है आपका 400। अब 2 बराबर आपका कितना है 400, 3 बराबर कितना होगा 600। ये तो आपका अगर आंसर किस प्रकार आएगा ठीक। अब देखो जरा किस प्रकार एग्जाम में लगाते क्वेश्चन को ठीक। एग्जाम में तो आप इस प्रकार लगाएंगे क्वेश्चन को। अब देखो एक बार फिर कह रहा है कि 1/3 वक्त जब उसने खर्च कर दिया है ठीक, एक बात समझो जरा, 1/3 वक्त था ठीक, 1/3 वक्त उसने खर्च किया, उसके ऊपर 2 रुपये बचना चाहिए था। मान लेते यहाँ पर 30 था ठीक, और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर कितना होगा 20। अब 20 या 20 के हिसाब से कह रहा है कि 20% उसने मकान की मरम्मत पर खर्च की है, तो इसका 20% कितना होगा 4। 20 से हटाओ कितना बचेगा आपका 16, 16 रुपये बचना चाहिए था। क्वेश्चन में कह रहा है 320, क्वेश्चन में 320 और 30 रुपये आपको निकालना है, टोटल अमाउंट सही तो है। तो देखो 16 दूनी 32, अब 1% वाला आपको कितना आएगा 200 ठीक, तो 30% वाला कितना आएगा 30 का गुना कर दो, 230 क्यों आएगा, 20 आएगा ठीक। हाँ 20 ठीक, अब एक बार समझो जरा, 20 अब 30 से गुना करोगे तो कितना आएगा 600। इस प्रकार तो आपको एग्जाम में करना है, सिर्फ 100 क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको लगाना है, कोई क्वेश्चन तो कठिन नहीं होता है। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार ऐसा है वो 50% के डिस्काउंट दिखाता है ठीक, और वो बस वस्तु का जो मूल्य है वो 18,500 18,500 ठीक। लेकिन एक दुकानदार है वो दूसरा कहता है कि जो दूसरा यहाँ पर दुकानदार है ठीक, दूसरा दुकानदार वो कहता है कम से कम दो छूटें देंगे, एक 30% की, एक 20% की। तो क्रमिक दो छूटे अंकित करता है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि बताइए ग्राहक को कौन से दुकानदार से अधिक छूट मिलेगी। तो आपको ये तो डेफिनेट पता हो गया है, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में आपसे दे रहा है कोई मतलब। अब आपको बताना है किससे अधिक परसेंट छूट मिलेगी, सिर्फ आपको अमाउंट से क्या मतलब है, छूट ही बताना है किसको किससे अधिक मिले, दूसरे वाले से पहले वाले से ठीक, और कितने परसेंट अधिक छूट मिलेगी। तो देखो जरा कि पहला जो है वो 50% की छूट शो करता है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि हम क्या कहते हैं कि पहले 30% की छूट देते हैं, उसके बाद 20% की। मान लो किसी वस्तु का जो मूल्य है ठीक, वो 100% था आपके पास, 100% से आपने 30% की पहले जो 70% बचा है ठीक, आप 70% से आप 20% लेस करोगे ठीक, 20% 20% में क्या लोगे 1/5 ठीक, तो कितना कम होगा 14 की 5 बराबर, अगर ये किसका कितना गुना है 40 गुना 14, तो इसको भी 14 का मतलब है 14 कम हो जाएगा ठीक, 14% 14% अगर कम करोगे कितना बचेगा आपका 56। अब देखो जरा, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है,
कभी कभार ऐसा होता है कि कहो आपको यहाँ पर लिख दे कितना 40, ठीक 40 लिख दे या 45 लिख दे, ठीक कुछ भी लिख सकता है यहाँ पर 45%, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में होता है तो ना ये नहीं देखना होता है कि परसेंट जहाँ देंगे वहीं पर आंसर मार दें, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना रुपए की मिलनी चाहिए, 56 रुपये की, यहाँ पर कितने मिलेगी 50 रुपये की, देख रहे हो, क्योंकि 50% की ये भी छूट दे रहा है, दोनों को अगर इक्वल करोगे, ठीक। कोई तुमसे अगर कह दे क्वेश्चन में, कहीं तुम ले मार्केट में गए हो देखने गए क्वेश्चन को, ठीक, तो आपने वहाँ पर देखा कि एक एक सेलर लगाए हुए 30% प्लस 20% क्रमिक लगाए हुए है, ठीक है, एक ने 50% टोटल लगाया है, तो कौन सा ग्राहक के लिए कौन सा लाभदायक हुआ, ये वाला 50% वाला, ठीक। इससे से छूट कितनी मिल रही है 44 की, और यहाँ से इसे कितने मिल रही है 50 की, और इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि वस्तु का मूल कितने रुपये में बेची गई, तो इसी का 50% निकाल दो जो ग्राहक के पास आ जाएगी, 1/2, 50% क्या लेते हैं 1/2 इंटू, ठीक 9/2 5 कितना हो गया 9,250। छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो दिनेश है, ठीक दिनेश है वो राम से आयु में 20% बड़ा है, अब ठेठ इससे उल्टा पूछा ये इससे कितना बड़ा 20% बड़ा है, ठीक ऐसा जैसे पूछ रहा है ये कितना परसेंट से छोटा है, आयु में कितने परसेंट अधिक है, ठीक है 20% अधिक था। एक बार समझो क्वेश्चन कि जब राम दिनेश राम से 20% अधिक बड़ा है, तो इसका मतलब है अगर राम अगर 20% के हम क्या लिख सकते हैं 1/5, ठीक, और एक बार मतलब है 20% बड़ा है तो मतलब क्या लिख सकते हैं उसको 6, देख रहे हो 20% बड़ा हो गया, अगर अगर ये 100% है, ठीक तो कितना होगा 120%। अब उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ई एस का कितना परसेंट कम है, ठीक तो मतलब 6 एक कम है, देख रहे हो आयु से एक ही तो वर्ष कम है ये राम, एक वर्ष कम है 6 से इंटू 100 आएगा 16/3, ठीक क्योंकि 1/6 को मैंने लिखाया था फर्स्ट वीडियो में कि लगते हैं 16/2/3%, ठीक आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा आपका 350, ठीक तो 50/3 तीन से काटोगे 3 × 1 = 3 3 × 6 = 18, ठीक आपका कैरी 2 बचा 2/3%, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में।